बच्चों, मुझे पता है कि प्लांट किंगडम ने तुम लोगों को मैंने सोचा मैं तुम लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर दूं। अब वो जो एल्गी वाला पैराग्राफ है ना, उसके एग्जांपल्स ही लर्न नहीं होते तुम लोगों को, तो मैंने सोचा इस वीडियो में तुम्हें पूरा एल्गी के पैराग्राफ में जितने एग्जांपल्स है ना, मैं तुम लोगों को इसी वीडियो में लर्न करा दूंगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो सबसे आसान है वो कर लेते हैं। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी के एग्जांपल्स लर्न कर लो, उसी से आधा काम आसान हो जाएगा। ग्रीन एल्गी का जो निमोनिक है वो ये है, क्लासिक कार एसयूवी उड़ गई। क्लासी कार एसयूवी उड़ गई। क्लासी से क्लेमाइडोमोनास, कार से कारा, वैसे तो वो चारा होता है लेकिन कारा याद कर लेंगे हम। एसयूवी स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स एंड वॉल्वॉक्स, उड़ गई मतलब यूडोरिना। ब्राउन एल्गी के एग्जांपल्स, एक दी लाई साग फोकट में, कि कोई दीदी थी वो बिना बात की साग ले आई। एक दीदी लाई साग फोकट में, एक से एक्टोकार्पस, दी से डिक्टियोटा, साग से सार्गेसम, लाई से लैमिनेरिया, फोकट मतलब फ्यूकस, ठीक है, मे से कुछ नहीं है। रेड एल्गी का मैंने तुम लोगों को एक बार पहले भी याद कराया था, ऐसे याद करना है डांस कर करके, ठीक है, पीपी जी जी। कैसे याद करना है? पीपी जी जी। बच्चे को और तरीके से करते हैं पानी पूरी गोलगप्पे, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं है, मेरे को पीपी जी जी पसंद है। तो ये क्या है? पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया और जेलिडियम। ये तो हो गए एग्जांपल्स, इनको साइड में रख दो। जब तुम एल्गी का पैराग्राफ शुरू करते हो तो तुम देखो गैमीट्स के एग्जांपल्स हैं, वो नहीं हम लोगों को याद होते, वहां जाओ। एक होती है आइसोगैमी, एक होती है एनआइसोगैमी और एक होती है ऊगैमी। एक एक करके बात कर लेते हैं। आइसोगैमी में क्या होता है कि दो सिमिलर काइंड के गैमेट्स होते हैं, मतलब मेल और फीमेल गैमेट जो है ना वो सिमिलर हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स इन एल्गी में। तो हम कैसे याद करेंगे इसे? कोई दो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को हमें पिक करना पड़ेगा, उनको इमेजिन करना पड़ेगा। मैं तुम्हें लर्न कराऊंगी उल्लू और चिड़िया से, स्पैरो से, ठीक है। एक उल्लू ले लो, एक स्पैरो ले लो, दोनों बर्ड्स हैं, दोनों के पंख हैं, तो ये सिमिलर हैं। तो हमें याद रहेगा कि यहाँ पे सिमिलर गैमेट्स वाला एग्जांपल है ये। उल्लू मतलब यूलोथ्रिक्स, स्पैरो मतलब स्पाइरोगायरा। इन दोनों में आइसोगैमेट्स होते हैं क्योंकि खुद भी आइसो है ना, सेम सेम है, ठीक है। इसमें एक और चीज याद करनी होती है जो नीट में आती है, कि किसके गैमेट्स इनमें से फ्लैजिलेटेड है और किसके नॉन फ्लैजिलेटेड है, मतलब किसके गैमेट्स मोबाइल है और किसके इमोबाइल है, जो मूव नहीं कर सकते। तो हमें ऐसे याद रखना है, उल्लू और स्पैरो सिमिलर तो है लेकिन उल्लू जो है बड़ा गंदा है, स्पैरो बेचारी थोड़ी नाजुक सी है, तो स्पैरो को मूव नहीं करने देता, वो कहता तू चुपचाप बैठ, उसकी पटाई कर देता है, तू यहीं बैठेगी, तू नहीं उठेगी। और उल्लू खुद मजे से डांस कर रहा है, पंगड़ा पा रहा है उसके आसपास, ठीक है। तो उल्लू जो है मूव कर रहा है, स्पैरो मूव नहीं कर रही। दैट मींस यूलोथ्रिक्स के जो गैमेट्स है वो फ्लैजिलेटेड है और स्पैरो वगैरह के जो गैमेट्स है वो फ्लैजिलेटेड नहीं है, नॉन फ्लैजिलेटेड है। नेक्स्ट पे आ जाओ, एनआइसोगैमी। एनआइसोगैमी का इतना गंदा एग्जांपल है बेटा, लर्न नहीं होना, ना तुम्हें लर्न होना ना मुझे लर्न होना, होना ही नहीं, लर्न ही नहीं होना ये। तो उधर ना जाओ, इस एग्जांपल पे ना जाओ, उधर ना जाओ, उधर ना। यूडोरिना है तो ये बहुत स्टूपिड, बट मेरे को ऐसे ही लर्न होता है यार, तुम लोग भी ऐसे ही लर्न कर लो। उधर का मैं बनाती हूँ, एक्चुअली मैं इसको प्रोनाउंस करती हूँ उडोरिना, तो उधर को मैं उडो बना देती हूँ, ना जाओ को ना, उडोरिना, उधर ना जाओ, उडोरिना, ठीक है। यूडोरिना एग्जांपल है जहां डिसिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स है, एनआइसोगैमी है। लास्ट है ऊगैमी, ऊगैमी, ठीक है। अब ऊगैमी की तुम स्पेलिंग देखो, दो ओ आते हैं, तो मैं इसको ऐसे याद करती हूँ कि इसमें दो ऊ आ रहे हैं, ऊगैमी। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं उसमें भी दो उ उ आ रहे हैं। अब देखो पहला एग्जांपल है वॉल्वॉक्स, उसमें भी दो ओ ओ आ रहे हैं, उ उ आ रहे हैं, है ना। फिर है फ्यूकस, उसमें भी उ उ आ रहे हैं। तो उ उ गैमी के जो दो एग्जांपल्स हैं, वॉल्वॉक्स में भी उ उ है और फ्यूकस में भी उ उ है। अब जब तुम पेज टर्न करोगे एनसीईआरटी का, लास्ट के जो एग्जांपल्स तुम्हें लर्न करने हैं वो है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एल्गी के एग्जांपल्स, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले करेंगे कि एडिबल एल्गी कौन सी है। एडिबल एल्गी, अब तुम कहीं जाते हो तो तुम कहते हो ना यार खाने के लिए मुझे स्पेशल मेन्यू दो, मेरे को ये नॉर्मल मेन्यू से नहीं खाना, स्पेशल आज की आइटम क्या है, आज का स्पेशल क्या है, है ना। तो हमें इसको याद करना है स्पेशल से, SPL, स्पेशल को शॉर्ट में लिखते हैं SPL। तो ये SPL जो है आपकी एडिबल एल्गी है, S से सार्गेसम, P से पोरफायरा, L से लैमिनेरिया।
पहला हो गया आपका। देन एक बार जो चीज नीट में बहुत बार बार पूछी जाती है और आप कंफ्यूज होते हो, वो ये है कि दो एल्जिन और कैरेजिन, ये दो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। एल्जिन जो है वो ब्राउन एल्गी से मिलता है और कैरेजिन जो है वो रेड एल्गी से मिलता है। बच्चे इसको उल्टा कर देते हैं क्योंकि बार बार ये एग्जामिनर यही कंफ्यूज करता है आप लोगों को। आप लोगों को कैसे याद करना है? देखो, तुम्हें पहननी है जीन, पहली बात तो ठीक है, जीन्स की पैंट पहननी है तुम्हें। अब ब्राउन तो यार सब पहन रहे हैं ना, कितना बोरिंग है ब्राउन। अब कुछ नया करो, एडवेंचरस, कुछ जिंदगी में बढ़िया करो तुम लोग यार, तुम रेड जीन्स पहनो। तो जहां पे जीन आ गया ना पीछे, कैराजीन, वैसे कैरागीन होता है उसका प्रोनाउंसिएशन, लेकिन याद करना है अपने को अभी। कैराजीन जो आ गया ना, तो जीन तुम्हारी रेड है, ठीक है, रेड जीन पहन के घूमेंगे। हम पहनेंगे नहीं ब्राउन, यार हटाओ ब्राउन जीन यार, हमें को रेड ही पहननी है। हमारा स्टाइल स्टेटमेंट यही कहता है, रेड जीन पहननी है हमको। तो एल जिन है, जिन वो जिन है, जीन नहीं है। जहां जीन है ना, जीन्स की पैंट है, वो तुम्हारी रेड होनी चाहिए, ठीक है। और क्या रह गया एडिबल एल्गी में? अगार, अगार का एग्जाम्पल रह गया। अगार इज अ हाइड्रोकोलाइड जो कि जेलीज और आइसक्रीम्स में डाला जाता है, ठीक है, तो उसके नाम से पहच रहा है, जेली में डाला जाता है ना ये, तो ये मिलता है जेलीडियम से, ठीक है। अगार जेली बनाने के काम आता है, तो ये मिलता है जेलीडियम से। और एक और जी से ही शुरू होता है, ग्रासिलेरिया। जेलीडियम और ग्रासिलेरिया से मिलता है, ये दोनों ही रेड एल्गी है। आई होप तुम लोगों को बस ये छोटा सा टाइम देके बहुत ज्यादा वैल्यू मिली होगी अपने टाइम के लिए, और तुम लोगों को ये एल्गी के एग्जाम्पल लर्न हो गए होंगे। और अब जब नीट में तुमसे पूछा जाएगा, एग्जामिनर तुम्हारा बुद्धू बनाने की कोशिश करेगा कि बताओ कैराजीन किससे मिलता है, तो तुम्हें रेड जीन याद आएगी, ठीक है। बताओ आइसोगेमिट्स किस में होते हैं और उनमें से फ्लैजिला किस में होता है, तो तुम्हें याद आएगा आइसो में, अच्छा दो सेम से हैं, यूलोथ्रिक्स और स्पायरो वगैरह, उल्लू और स्पैरो, और उल्लू मूव करता है, स्पैरो मूव नहीं करती, तो फ्लैजिलेटेड वाले यूलोथ्रिक्स के पास है। मजे आ जाएंगे पेपर देके, ठीक है। चलो, ऐसी ही ट्रिक्स के लिए आप ये चैनल ज्वाइन करो, और मैं कोशिश करूंगी कि सब कुछ तुम लोगों को धीरे धीरे लर्न हो जाए इन ट्रिक्स के थ्रू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।